जब बात आती है क्लीनिंग की या ऑर्गेनाइजेशन की तो हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ भी आते हैं और बहुत सारे हैक्स या फिर टिप्स भी हम फॉलो करते हैं और हमें डेफिनेटली करने भी चाहिए, क्योंकि ये सारे आइडियाज़ अगर हम नहीं लगाएंगे, ये सारे हैक्स अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा ये घर के कामों को करने में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्चना और इसी तरह के वीडियोज़ मैं इस चैनल पर बनाती हूँ जो कहीं ना कहीं हर किसी के से रिलेट करते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग से आइडियाज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जो बिल्कुल जीरो कॉस्ट से बने हुए हैं और इन्हीं सब का यूज करके हम घर को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं अपने माइंड का थोड़ा सा क्रिएटिविटी यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने ले लिए हैं ये रोल जो कि किचन टॉवल में हमें मिल जाते हैं, बहुत सारे इकट्ठे होके रखे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो एक प्यारा सा ऑर्गेनाइजर आज इसका बनाया जाए। बहुत ही सिंपल है, हर कोई इसको बना सकता है। तो बस दो मैंने यहाँ पे रोल ले लिए हैं और उनको इक्वल पार्टीशन में मैं यहाँ पे कट कर लूंगी। और दोस्तों ये जीरो कॉस्ट वाला ऑर्गेनाइजर इतना प्यारा बनने वाला है, जब आप इसका फाइनल रिजल्ट देखोगे ना तो आपको भी ये तुरंत बनाने का मन करेगा। तो बस इसको इक्वल पार्ट में मैंने कट कर लिया है नाइफ की हेल्प से। अगर आपके पास इस तरह का कटर है तो उससे कट कर लीजिए, अदरवाइज नाइफ से भी ये इजीली कट हो जाएगा। और बस नॉर्मल सा हमने यहाँ पे लिया है एक्रेलिक कलर, और पिंक कलर मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है तो इसलिए मैंने पिंक कलर यहाँ पे लिया है। आप कोई भी कलर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और स्पॉन्ज की हेल्प से हमने इसको कर दिया है पेंट। तो दोस्तों जो दो रोल हमने यहाँ पे लिए थे उनके हमने यहाँ पे चार पीसेस बना लिए हैं। अब दो पीसेस को मैं यहाँ पे सेम कलर में कर रही हूँ, आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंगली पेंट कर दीजिए जो भी कलर आपके पास अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने पिंक किया है तो आपको भी पिंक ही करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है उस तरह से आप कीजिए और अपने माइंड की जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी आपके दिमाग में है वो यहाँ पे यूज़ कीजिए। तो मैंने दो यहाँ पे पिंक कर दिए हैं और दो पार्ट को मैंने हाफ पिंक किया है और उसको मैं हाफ दूसरे कलर से करूँगी ताकि थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा लगे। तो बस इस तरह से मैंने इन सबको पेंट कर दिया है और जो हाफ पार्ट मैंने छोड़ा था उसको मैं कर दूँगी ब्लू कलर से, तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो बस इसी तरह से मैंने स्पॉन्ज की हेल्प से इन चारों रोल को कर दिया है पेंट। और ये ऑर्गेनाइज़र बनने में दोस्तों 10 मिनट से बहुत ही कम टाइम लगता है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए पेंट हो गया है और ड्राई भी हो गया है। हमने यहाँ पे ले लिया था एक फूड कंटेनर का लिड जो कि मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ था। तो नेक्स्ट अब हम इसको कर देंगे स्टिक ग्लू गन की हेल्प से। अगर आपके पास ग्लू गन भी नहीं है तो आप यहाँ पे जो फेविक्विक आता है ना उससे भी इसको स्टिक कर सकते हैं, बहुत ही इजीली स्टिक हो जाएगा। तो बस इन चारों पार्ट को हमने इस लिड पे अच्छे से स्टिक कर दिया है और इसके बाद ये ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल बनके रेडी हो जाएगा। और कैसा लग रहा है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चारों पार्ट को आपको कुछ इस तरह से इस पे स्टिक कर देना है, देन उसके बाद आपका ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल रेडी है। आप इसे मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ स्टेशनरी, मेरी डॉटर के जितने भी कलर पेंसिल्स जो भी वो यूज़ करती है वो सारे मैंने इसमें ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। नेक्स्ट हम आ गए हैं किचन में, और किचन में आने के बाद जब मैंने फ्रिज खोला तो दोस्तों मेरे फ्रिज की हालत कुछ ऐसी थी, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी तो इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। आपने नोटिस भी किया होगा मेरे वीडियोस भी कंटिन्यूस नहीं आ रहे हैं, तो इसी वजह से ये सारा मैसी हो रखा है। तो चलो आज इसको हम क्लीन कर देते हैं और इसमें भी कुछ हम जीरो कॉस्ट वाला काम करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग से आइडियाज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रिज को कर दिया है एम्प्टी। तो दोस्तों देखिए कितने ज़्यादा फूड पार्टिकल्स यहाँ पे गिरे हुए हैं, तो इस बार मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि अगर ये फूड पार्टिकल्स भी गिर जाएं तो मेरा फ्रिज ज़्यादा गंदा ना हो। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं था, बस मैसी था। तो नॉर्मल सा एक ड्राई कपड़ा मैंने यहाँ पे लिया और इसको सबसे पहले हमने कर दिया है डस्ट फ्री।
दोस्तों जब भी मैं ना ऐसे काम करती हूँ ना, या कोई भी क्लीनिंग वाला काम करती हूँ, तो मैं हमेशा उसे पार्ट्स में क्लीन करती हूँ। जैसे ये फ्रिज है, तो मैंने सबसे पहले इसका डोर वाला पार्ट लिया है और इसी को मैंने क्लीन भी किया है। इसी को फर्स्ट मैं ऑर्गेनाइज भी करूँगी, आफ्टर दैट मैं फ्रिज का दूसरा पार्ट उठाऊंगी। तो इस तरह से अगर आप क्लीनिंग करते हो तो आपका टाइम तो काफ़ी बचता ही है, काम करने में भी आपको मजा आता है। तो इस कपड़े को हमने थोड़ा सा गीला कर लिया है, और गीला करने के बाद एक बार फिर से हम इसे जैसे स्पॉन्ज करते ना, उस तरह से हमने इसको क्लीन कर दिया। तो देखिए यहाँ पे एक जीरो वेस्ट वाला काम कर रही हूँ मैं। इस बार मैंने लिए हैं न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को मैंने काट लिया था इस डोर के अकॉर्डिंगली, और इस बार मैं एज अ लाइनर बिछा रही हूँ न्यूज़पेपर को। इससे मुझे दो फायदे हो जाएंगे, या एक तो मेरा जो भी कोई फूड पार्टिकल है वो नीचे नहीं गिरेगा, सेकेंड जो भी स्मेल फ्रिज में आता है, समटाइम्स हम फूड को ऐसे ही रख देते हैं तो फूड का सारा स्मेल फ्रिज में आ जाता है, तो ये जो न्यूज़पेपर है उसको ऑब्जर्व कर लेगा। तो यहाँ पे हमें दो फायदे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगेन जीरो कॉस्ट वाला काम करने वाले हैं। जो ये फूड कंटेनर्स होते हैं, ये हर किसी के पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो एज अ ऑर्गेनाइजर आज हम इनको यूज़ करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे से यूज़ हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा नीट लुक आता है कोई भी चीज़ का। तो अगर आपके पास भी इस तरह के कंटेनर्स रखे हुए हैं, तो उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकिए, उनको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कीजिए। फ़िलहाल मैं इसको फ्रिज में यूज़ कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। देखिए कितने अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई, और पैसा भी हमारा बहुत सारा सेव हो गया है। अब आपको हर चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो डोर हमारा बिल्कुल हो गया है क्लीन भी, ऑर्गेनाइज भी, और पैसा हमारा बिल्कुल भी यहाँ पे खर्च नहीं हुआ है। तो कुछ ऐसे आइडियाज़ अगर आप भी लगाएंगे तो आपके पैसे भी बच जाएंगे और घर भी आपका ऑर्गेनाइज रहेगा। इसी तरह से मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रखती हूँ, कुछ पुरानी चीज़ों का यूज़ करके। कुछ ज़रूरत होती है तो डेफिनेटली मैं नई चीज़ें भी ज़रूर बाय करती हूँ। तो बस डोर होने के बाद हम जो फ्रिज का दूसरा वाला पार्ट है उसको भी ऐसे ही क्लीन कर देंगे। बहुत ज़्यादा गंदा तो मैंने बताया ना नहीं हो रखा था, बस मैसी हो रखा था। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें से निकाल देंगे। जो चीजें एक्सपायरी हो गई थी उसको मैंने डेफिनेटली डिस्कार्ड कर दिया है, और यहाँ पे ऑलरेडी लाइनर बिछे हुए हैं, लेकिन कुछ फूड यहाँ पे गिर गया है। तो देखिए किस तरह से गंदा हो गया। सबसे पहले मैंने इसको वॉश कर लिया था अच्छे से, और फ्रिज को फिर से हम डस्ट फ्री कर देंगे एक कपड़े की हेल्प से। देन अगेन हम वही लाइनर यहाँ पे बिछा देंगे, क्योंकि वो काफी नए हैं, तो मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद उसी को बिछा के वापस से हम फ्रिज को ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो दोस्तों मेनली मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को क्लीन कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये चीज़ को बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप पुरानी चीज़ें देखिए, अपने घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी होती है जो फालतू रखी होती है, जिनको हम समटाइम्स फेंक देते हैं। तो इस तरह से अगर आप वीडियोज देख देख के आइडियाज़ लेंगे तो आप भी अपने घर को काफ़ी ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, काफ़ी हद तक नीट भी रख पाएंगे, क्लीन भी रख पाएंगे और ऑर्गेनाइज भी रख पाएंगे। तो देखिए ये सारे जो लाइनर हैं इनको मैंने वॉश कर दिया था और ये ड्राई भी हो चुके हैं, तो वापस से हम इनको लगा देंगे और जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो फ्रिज हमारा बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है, ऑर्गेनाइज हो चुका है, बहुत सारे कुछ भी हमने इसमें एफर्ट्स नहीं डाले हैं, और पैसा तो बिल्कुल भी हमारा यहाँ पे खर्च नहीं हुआ है। एक और चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जब भी आप अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करते हैं, हमेशा कम से कम सामान आप अपने फ्रिज में रखिए। नीचे वाली सेल्फ के लिए मेरे पास लाइनर नहीं था, तो मैंने वहाँ पे न्यूज़पेपर ही बिछा दिया है। तो देखिए ऊपर वाला पार्ट मैंने रखा है जो लेफ्ट ओवर फूड बच जाता है उसके लिए, और दो सेल्फ मैंने नीचे खाली रखी है। इन फ्यूचर कुछ फ्रूट्स, गर्मियाँ आ गई हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हमें चाहिए होते हैं, तो उसके लिए मैंने बहुत सारा स्पेस भी रखा है। तो इस तरह से जितना कम सामान आप फ्रिज में रखोगे, आपका फ्रिज
बहुत दिनों तक ऑर्गेनाइज रहेगा। नेक्स्ट मैं आ गई हूँ अपने साइड बोर्ड के ड्रॉअर में, जो कि ये भी काफी ज्यादा मैसी हो रखा है। आप देख ही सकते हो इसकी हालत कैसी है। तो सबसे पहले मैंने इसको डीक्लटर किया, क्या क्या चीजें इसमें अननेसेसरी थी वो मैंने डेफिनेटली डिस्कार्ड कर दिए। तो दोस्तों मैं हमेशा जब भी क्लीनिंग करती हूँ मैं पार्टीशन में ही क्लीनिंग करती हूँ, कि कोई भी एक चीज को मैं उठाती हूँ देन उसी को मैं क्लीन करती हूँ। बहुत ज्यादा मैसअप में नहीं फैलाती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगी इतने सारे काम एक साथ। तो हमेशा जब भी आप क्लीनिंग करते हैं तो बस पार्ट वाइज क्लीनिंग कीजिए, आपका घर डेफिनेटली क्लीन भी रहने वाला है, ऑर्गेनाइज भी रहने वाला है और आपका माइंड तो एकदम फ्रेश रहने वाला है। क्योंकि जब आप एक साथ काम उठाते हो तो ना काम टाइम पे होता है, ना कुछ चीजें अच्छे से होती है और हमारा दिमाग है वो फालतू में खराब हो जाता है। तो बस इसको भी डस्ट फ्री कर दिया है और यहाँ पे अगेन मैं यूज करने वाली हूँ कंटेनर जो कि जीरो कॉस्ट वाले हैं, जो हमारे पास इस तरह के बॉक्सेस बहुत ज्यादा रखे होते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे यूज करूंगी इन्हीं टाइप के बॉक्सेस को और इनमें हम काफी सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के डिब्बे आपके पास रखे हैं तो बिल्कुल भी नहीं फेंकिए, मल्टीपल तरीके से यूज कीजिए। काफी वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। सो देखिए ये वाला ड्रॉअर भी हमारा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, ऑर्गेनाइज भी हो गया है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और इस तरह के वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे हैं, आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों दैट इज ऑल फॉर टुडे, होप एंजॉय दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।